नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 2 जुलाई शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में गर्मी की मार झेल रहे लोगों का बारिश का इंतजार खत्म हो गया है। प्रदेश के लगभग पूरे हिस्से में मॉनसून एक्टिव होने से बीते 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। पूर्वी राजस्थान से एंट्री करने वाले मॉनसून से बीते 24 घंटे में 4 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। राजधानी सहित 5 जिलों में सबसे अधिक बरसात हुई है। वहीं सीकर में रेलवे ट्रैक डूबने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। हालांकि अब तक रेल यातायात सामान्य है। जयपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में पानी जमा हो गया है। मौसम केंद्र जयपुर का कहना है कि लगातार बारिश का ये सिलसिला अगले 3 दिन तक जारी रह सकता है। राजस्थान में अगले साल दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजस्थान बीजेपी अब चुनावी मोड में आ गई है। कोटा में पिछले माह हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद अब सिरोही जिले के माउंट आबू में 10 से 12 जुलाई को राष्ट्र पदाधिकारियों की ओर से प्रदेश पदाधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ साथ सातों मोर्चे के अध्यक्ष, प्रकोष्ठ, विभाग और प्रकल्पों के संयोजक शामिल होंगे। मिशन 2023 को फतेह करने का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी पूरी तरह से अब अपने संगठन को मजबूती देने में लगी है। राजस्थान में निजी स्कूलों की तर्ज पर अब सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से इसी सत्र से कई नवाचार किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को व्यवहारिक तथा बच्चों के लिए रुचिपूर्ण बनाने के लिए किए गए प्रावधानों के तहत अब शिक्षा विभाग ने कवायद भी शुरू कर दी है। शिक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद उदयपुर ने पहली क्लास के बच्चों के लिए 3 महीने यानी 12 सप्ताह का स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम शुरू करने की योजना तैयार की है। इसको विद्या प्रवेश नाम दिया गया है। कार्यक्रम में अब सरकारी स्कूलों में पहले कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों को सीधे पढ़ाई के बजाय खेल खेल में पढ़ाई कराई जाएगी। निरोगी राजस्थान अभियान के तहत जयपुर जिले में हेल्दी लिवर अभियान प्रारंभ किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में आगामी 28 जुलाई तक हेल्दी लिवर कैंपेन चलाया जाएगा। अभियान के दौरान विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम एवं गर्भवती महिलाओं, कैदियों, टीवी रोगियों, हाई रिस्क ग्रुप के व्यक्तियों, डायलिसिस वाले रोगियों एवं अन्य रोगियों की जांच की जाएगी एवं पॉजिटिव पाए जाने पर उनका उपचार चिकित्सा संस्थानों पर किया जाएगा। राजस्थान में 10,000 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित होगा। इसके लिए शुक्रवार को यहां एक होटल में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी और NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की CEO मोहित भार्गव के मध्य MOU हुआ है। इस दौरान प्रमुख सचिव भास्कर ए सावंत और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष TRavikant भी मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि NTPC प्रदेश में 10,000 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित करने के लिए निजी निवेश करने को सहमत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान भाजपा के नेताओं को अब दक्षिण के राज्यों में पार्टी को जिताने का जिम्मा सौंपा है। इनमें बड़े चेहरे भी शामिल हैं। तेलंगाना में भाजपा नेता पार्टी के संपर्क अभियान सहित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तेलंगाना में भाजपा की स्थिति कमजोर है और वो वहाँ पर कमल खिलाना चाहती है। इसी मकसद से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया गुरुवार को तेलंगाना पहुँच चुके हैं। वहाँ पहुँचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान प्रवासी राजस्थानी भी मौजूद रहे। CBSE 12वीं और 10वीं के नतीजे तैयार करने में जुटा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिलों के चलते 12वीं का परिणाम जुलाई के पहले अथवा दूसरे सप्ताह में जारी किया जा सकेगा। 10वीं का नतीजा इसके बाद जारी किया जाएगा। CBSE की 10वीं 12वीं की द्वितीय टर्म की परीक्षाएं 26 अप्रैल से 15 जून तक कराई गई थी। इनकी कॉपियों का मूल्यांकन अंतिम दौर में है। बोर्ड सभी स्कूल से प्रायोगिक परीक्षाओं और आंतरिक मूल्यांकन के अंक भी मांग चुका है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर यात्री ट्रेनों की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होने के साथ ही मालगाड़ियों की रफ्तार में इजाफा होगा। इसका लाभ कोटा मंडल को मिलेगा। इसके अलावा निकट भविष्य में कोटा मंडल से वाया उदयपुर होकर कांदला पोर्ट तक माल परिवहन की राह खुलने वाली है। अहमदाबाद उदयपुर के बीच आमान परिवर्तन का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। इसके बाद पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल के विभिन्न फ्रेट टर्मिनलों से वाया उदयपुर होकर कांदला पोर्ट तक माल परिवहन की योजना बना रहा है। वो इसलिए कि इस रूट से कांदला पोर्ट की दूरी 250 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे कांदला पोर्ट तक राजस्थान कोटा बूंदी भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले को सीधा लाभ मिलेगा।
दुनिया का तीसरा खूबसूरत शहर, फेवरेट टूरिस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन और हाल ही में सोलो ट्रैवलर्स के लिए सबसे सेफ सिटी की श्रेणी में शामिल लेक सिटी उदयपुर को जैसे किसी की नज़र लग गई। मंगलवार को शहर में हुए जघन्य हत्याकांड के बाद लेक सिटी की फिजा पहले की तरह शांत नहीं है। यहाँ आक्रोश है तो असुरक्षा का माहौल भी है। देश दुनिया के कोने कोने में बैठे लोग इस शांत शहर में हुए कांड को लेकर हतप्रभ हैं और एकाएक विश्वास भी नहीं कर पाए कि उदयपुर में ऐसा कुछ हो सकता है। भरतपुर में शहर की सफाई का जिम्मा निजी कंपनी को दिया गया है। अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने शुक्रवार को निजी कंपनी का विरोध कर दिया। गुरुवार रात से ही निजी कंपनी ने सफाई का काम शुरू कर दिया था। इसके विरोध में आज अस्थायी सफाई कर्मचारी नगर निगम पहुंच गए। नगर निगम के आयुक्त पार्षदों की कमेटी और अस्थायी सफाई कर्मचारियों की वार्ता चल रही है। अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने 5 मांगे रखी है। राजस्थान में शुक्रवार से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतया प्रतिबंध लग गया है। ना बिक्री होगी ना ही उपयोग किया जा सकेगा। अब इसका उपयोग नहीं हो इसकी सुनिश्चितता के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने निरीक्षण टीम बना दी है। टीम प्रदेश भर में औचक निरीक्षण करेगी। मंडल ने 66 लाख रुपए का बजट भी जारी किया है। वहीं नगरीय निकाय लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान के बारे में बताएंगे। इससे पहले गुरुवार को मंडल अधिकारियों ने प्रदेश की 1500 से अधिक फैक्ट्रियों औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की अपील की है। देश में लगभग 8 से 9 लाख मैरिज गार्डन व रिजॉर्ट हैं। उन्होंने सभी से बुकिंग के लिए शपथ पत्र लेने के लिए कहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।